Amar, 20 on 25. Chandra Prakash Siroha, 17 on 25. Gaurav Sinha, 19 on 25. Ghulam Sheikh, 15 on 25. Harish Golani, 18 on 25. Hitesh Shah, 24 on 25. Ishaan Awasthi, 3 on 25. Keval Talwar, 23 on 25. Mahavir Sinha, 18 on 25. Nimish Desai, 19 on 25. Nitin Rao, 16 on 25. Harish Walani, 20 on 25. Hitesh Shah, 24 on 25. Ishaan Awasthi, 2 on 25. Keval Talwar, 22 on 25. Mahavir Sinha, 19 on 25. Nimish Desai, 17 on 25. Nitin Rao, 18 on 25. गटर में मुंडी डालकर बैठा है एड़ा, 10 मिनट से बस रुका हुआ तेरे लिए, चल। क्या सुनाई नहीं देता हूं तेरे को, रोज तेरी वजह से लेट होता है, चल चल भाई। Thank you.
पहले हाथ धो के आओ, चलो रखो रखो उसे। क्या करते क्या हो तुम स्कूल में? हाथ देखो, मुंह देखो। ईशान उसे रखो, ईशान ईशान ईशान। अरे नल तो ठीक से बंद करो। इनो आज एग्जाम पेपर मिलने वाले थे ना, टीचर ने दिए? इनो मैं क्या पूछ रही हूं, आई मॉम। अरे यहां ड्रामा प्रैक्टिस कैंसिल, लिली टीचर को वायरल हो गया, सब सब्जेक्ट्स में फर्स्ट मॉम। एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, फिजिक्स, केम, बायो, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, गुड। और हिंदी में? हिंदी में सेकंड, वो भी सिर्फ 2 मार्क्स से। यू नो तेरा कैसा गया? वाओ, ये तो बन रहा है। ईशान पहले होमवर्क फिनिश करो। नहीं ईशान, यूनिफॉर्म। देख क्या रहा तू, चल जा बॉल लेके आ, चल। क्या देख रहा है?
बोला ना बॉल लाने को, समझता नहीं देखो हाँ? बॉल लाने को बोला ना, ले क्या बॉल? इधर आओ, कम है राइट ना। लेकिन पापा शट अप यूहान। और अंकल, अंकल उसने मेरा शर्ट तो मार दिया। आई विल गेट यू न्यू। हद हो गई, हर रोज तुम्हारी कंप्लेन, स्कूल से कंप्लेन, बिल्डिंग से कंप्लेन, घर के बाहर पांव रखो तो कंप्लेन, आज के बाद कोई घर पे कंप्लेन लेके आया ईशान, तुम्हें हंस रहा है, बेशरम, शेमलेस, वन मोर कंप्लेन ईशान, वन मोर कंप्लेन सीधा बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा। देखा भाया, मैं खड़ा हूं, तुम खड़ी हो, फिर भी मारा मारी कर रहा है, क्या हालत कर दी उस बच्चे की, टी शर्ट फाड़ डाली उसकी। पूजा करो बैठ के इसकी। कितनी बार कहा इनू रंजीत के साथ मत खेला करो। लेकिन मम्मा वो जा, मैं जाके नहा लो, फिर मैं डेटॉल लगा देती हूँ। ओके, यू वांट फाइट? हाँ, फाइट, कम ऑन, कम 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 फाइट। बाबा, बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा, बाबा जा रहा हूँ घर छोड़ के, वापस नहीं आऊंगा। सॉरी बाबा, आई एम वेरी सॉरी बाबा, आई वोंट डू इट नेक्स्ट टाइम बाबा, आई एम वेरी सॉरी बाबा, बाबा मैं अगली बार नहीं करूँगा, बाबा प्लीज आई एम सॉरी बाबा, सॉरी। और भी क्यों डरा रहे हैं बच्चे को? पापा ऑफिस के काम से जा रहे हैं, तुम्हारी वजह से नहीं, संडे तक वापस आ जाएंगे। कहीं और लगा देखो।
के जूता कस के बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है आज्ञाकारी है ये ऑमलेट पर ही जीते हैं ये टॉनिक सारे पीते हैं वक्त पे सोते वक्त पे खाते तान के सीना बढ़ते जाते दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो जैसे छिड़ता कोई साज है हर काम को टाला करते हैं ये सपने पाला करते हैं ये हर दम सोचा करते हैं ये खुद से पूछा करते हैं क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा कभी गुलाम नहीं इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं तितली से मिलने जाते हैं ये पेड़ों से बतियाते हैं ये हवा बटोरा करते हैं बारिश की बूंदे पड़ते हैं और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो Turn to page 38, chapter 4, paragraph 3. We're going to mark adjectives today. That goes for you as well, Ishaan Awasthi. Page 38, chapter 4, paragraph 3. Can I have your attention, Ishaan? Ishaan! I said page 38, chapter 4, paragraph 3. Read the first sentence and point out the adjectives.
Page 38, Ishaan. Adit Labba, just help the boy. Come on, the rest of you, look into your books. Read the first sentence and tell me what the adjectives are. Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just read the sentence, Ishaan. Ye to naach rahe. Silence! Speak in English. The letters are dancing. They're dancing, are they? Okay, then read the dancing letters. Trying to be funny? Read the sentence loud and proper. I said loud and proper, Ishaan. Loud and proper. Loud and proper. Stop it. Stop it. Enough is enough. Get out of my class! Out! You want to leave as well? Who is laughing here? Who wants to follow him? I don't want to hear a titter in my class. Look at your books. Shameless boy. Open your books now. Who's going to tell me what the adjectives are? I don't want a sound from this class. Yes! Come on. वापस पनिश पनिश होता है डफर ए इंडियन ए डफर हर टाइम क्या पनिश होता है टॉइंग इसका तो रोज का है गो इन नाउ Thank you.
झूलू मैं इतना करे चल पड़ो तो कितना दो चल पड़ो तो कितना दूर सपनों का बुना स्वेटर सा वॉर्म सफेद बादलों के पार मेरा जहां
वाओ, ये क्या है यार? सुपर्ब। ये क्या है ईशान? सब स्पेलिंग गलत है तुम्हारे। यहां पे टेबल TABL और यहां पे TABEL, और ये क्या है? THE की जगह सिर्फ D। क्या है ये? कितनी बार ईशान, कितनी बार? अभी कल ही हम लोगों ने किया है, इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो तुम? बहुत मस्ती हो गई, फिर उसी क्लास में रह जाओगे, तुम्हारे सारे दोस्त अगली स्टैंडर्ड में चले जाएंगे। कांति, रोहन, अच्छा लगेगा तुम्हें? कॉन्सेंट्रेट बेटा, कॉन्सेंट्रेट। बकवास बंद करो और स्पेलिंग ठीक करो। नहीं। क्या? नो नो नो। ईशान, ईशान। दादा, दादा, दादा। जाना इनो, आज कोई कहानी में बहुत थक गया हूँ। दादा, आज मैं स्कूल से भाग गया। क्या? वो वॉल क्रॉस करके भाग गया। हैं? कब? फर्स्ट पीरियड के बाद। क्यों? वो मैथ्स होमवर्क भी नहीं किया था और यूनिट टेस्ट पेपर भी नहीं सेंड करवाया था। तो फिर गया तू किधर? कहीं नहीं, इधर उधर घूमा, रोड पे। रोड पे अकेले? बिंदास। लुक एट योर गट्स, तुम्हें पता है कितना डेंजरस है? कुछ भी हो सकता था, एक्सीडेंट हो जाता, तुम्हें कोई किडनैप कर लेता। पापा भी घर पे नहीं है, इडियट। मॉम को बताया? मैं बताऊं? नहीं 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 नहीं। तो फिर वो एब्सेंट नोट लिख दो ना दादा। क्या? एब्सेंट नोट? नहीं 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 नहीं, मैं झूठ मूठ का कोई एब्सेंट नोट नहीं लिखने वाला। चल चल सो जा, सुबह मम्मा को सब बता दूंगा। दादा प्लीज, प्लीज दादा, दादा प्लीज। Absent note, teacher. आप कैसे हो? 99. Go. Children, surprise maths test. इसके marks final में गिने जाएंगे, तो इसलिए जरा ध्यान से. Take one and pass the rest. Here. Beep, beep, beep.
ग्रैंड मास्टर कैप्टन निशान की हिमालय पकड़ को पिघला देगा। बचा लियो। हाय जुपिटर, हाय जुपिटर, हाय सैटर्न, हैविंग फन, बाय। अब 39 में इंटू होने जा रहा है। ईशान, कैसा था टेस्ट? बिंदास। थैंक्स ईशान। ये लो पापा आ गए। पापा कब आए? कल रात। तुम सो रहे थे। वो स्ट्रॉबेरी और दादा के लिए वही तोरो के लिए धो लो पहले। ईशान, 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 पापा एक्वेरियम, पापा पापा प्लीज आज एक्वेरियम। पापा पापा आज एक्वेरियम जाएंगे। ओके माया, ईशान को बुखार था थर्सडे को? नहीं तो ये क्या है? एब्सेंट नोट। मैंने ये नोट नहीं लिखा। ईशान इधर आओ, कम हियर। ईशान इधर आओ, फौरन इधर आओ। ये क्या है? क्या मतलब है इस नोट का? जवाब दो ईशान, वरना इतना मारूंगा। नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो मेरी आंखों में। एंड आंसर मी, वेयर द हेल वर यू ऑन थर्सडे? वेयर? मैं पूछती हूं, कहां गए थे बेटा? स्कूल नहीं गए तो कहां गए? बोलो बेटा कहां? आंसर, गॉड डैम इट। क्या क्या बोल रहा है? बंक। व्हाट? स्कूल बंक किया ईशान? बंक किया और क्या किया? क्या किया? कहां गए? कहां? रोड। व्हाट रोड? कौन सा रोड? किसके साथ? किसके साथ गए? अकेले। अकेले? दिमाग खराब है तुम्हारा? आर यू आउट ऑफ योर ब्लडी माइंड? सारे शहर में अकेले घूम रहे थे, हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया? इडियट, ये क्या हो रहा है यहां? सुना तुमने, अगर कहीं खो जाता तो कहां ढूंढते थे हम लोग? और ये किसने लिखा? किसने लिखा ये एब्सेंट नोट? तुम तो ढंग से लिख नहीं सकते, ब्लडी डफर इडियट। इतना लिख पाते तो पास नहीं हो जाते। ईशान किसने लिखा ये नोट बताओ, किसने लिखा ये? ईशान, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू, हु रोट दिस एब्सेंट नोट? बोलो किसने लिखा, बताओ, टेल मी। क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, बिल्कुल पिछले साल की तरह। बुक्स आर स्टिल हिज एनिमीज। पढ़ना लिखना जैसे पनिशमेंट हो,
इसकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग कभी कभी रशियन जैसी लगती है। जान बूझ के मिस्टेक्स रिपीट करता है, ध्यान हमेशा क्लास के बाहर रहता है। ऑल द टाइम आस्किंग फॉर परमिशन टू गो टू द टॉयलेट। आई एम थर्स्टी, आई वांट टू डू सुसु, थर्स्टी सुसु, थर्स्टी सुसु। डिस्टर्ब्स द होल क्लास विद हिज सिली प्रैंक्स। और आपने इसके एग्जाम पेपर्स देखे होंगे, हर सब्जेक्ट में अंडे उबाले हैं। आपने इसके एग्जाम पेपर भेजे थे पिछले वेंसडे को पेरेंट सिग्नेचर के लिए, आज तक वापस नहीं आए। दे वर अ साइट आई टेल यू मिसेस अवस्थी। In fact, I sent a letter specially to meet you. ये देखिए, maths test. 3 into 9 is equal to 3. बस, इसके बाद सारे सवाल छोड़ दिए। कौन मानेगा ये योहान अवस्थी का छोटा भाई? मिस्टर अवस्थी? Yes. वैसे भी थर्ड स्टैंडर्ड में आपके बेटे का ये दूसरा साल है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। शायद इसे कोई प्रॉब्लम है। क्या मतलब? शायद वो कुछ बच्चे बदनसीब होते हैं और ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं। ए बोलो ना, तेरे को हटा वहां से। दस दस रुपए का बच्चा है। थिंक्स माय सन इज अ रिटार्ड। सोचती है मेरा बेटा नॉर्मल नहीं। अरे क्लास में 60-60 बच्चे भर रखे, क्या खाक ध्यान दे पाएगी टीचर हर बच्चे पे? ब्लडी नॉनसेंस, इडियट्स। क्या नहीं किया मैंने, बच्चों की खातिर जॉब करियर सब छोड़ दिया, खुद लेसन लेती हूँ सुबह शाम। ईशान, ईशान, ईशान। ओ माया, इट्स नॉट योर फॉल्ट। ये ऐसे नहीं सुधरेगा। ओके ओके, मैं कल सुबह ही आ जाता हूँ। थैंक्स अ लॉट सुरेश, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। डन। लेकिन टर्म के बीच में? अरे सुरेश कपाड़िया के चाचा स्कूल के फाउंडर ट्रस्टी हैं। मैं कल ही हेडमास्टर से मिलकर फीस वगैरह सब भर दूंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू गो। शान, बकवास बंद करो, खाना खाओ चुपचाप अपना। नहीं जाऊंगा। ये साल पूरा कर लेने देते हैं फिर। आई मीन नंदू, आज तक मेरे बगैर रहा नहीं है ये। अरे आदत डालनी होगी इसको। और तुमने प्रिंसिपल की बात नहीं सुनी, वो तो इसे अगले साल स्कूल में रहने नहीं देंगे, दोबारा फेल करके निकाल देंगे। फिर कहां जाएंगे हम लोग? देखो देखो कैसे घूर रहा है। नो ब्लडी रिग्रेट ऑन हिज फेस। वहां बोर्डिंग स्कूल में ना ठोक पीट के सीधा कर देंगे। आज यहां से नोट लिखवाया, कल पता नहीं क्या करेगा। मेरा यकीन करो माया, बाप हूं मैं इसका। इस हमारे बजट के बाहर है, लेकिन एडजस्ट कर लेंगे हम लोग किसी तरह से। दिवाली के बाद टर्म शुरू हो जाएगी इसकी। पापा प्लीज, पापा मुझे मत भेजो। पापा, पापा प्लीज, मैं नहीं जाऊंगा बोर्डिंग स्कूल। पापा मुझे नहीं जाना। पापा बोर्डिंग स्कूल नहीं जा रहा मुझे। मामा आप पापा को बोलो ना, मुझे नहीं जाना बोर्डिंग स्कूल। पापा प्लीज नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल। चुप चुप चुप। ईशान, ईशान, मामा, ईशान, ईशान,
तो जाना पड़ेगा। नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल बाबा। बोर्डिंग स्कूल अच्छी जगह है। नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल बाबा। I'm knowing, I'm trying, really see, A, B, C, D, L, O, P, N, O, X, Y, Z. Really, देखो मामा, मुझे सब आता है, और भी स्टडी जाएगा, मैं क्रैकर्स भी नहीं फोड़ूंगा मामा, नो दिवाली। लेकिन बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना मुझे मामा, नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल, नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल मामा। आपके पापा बताते हैं कि आप बड़े जिद्दी हैं। एक बात साफ साफ सुन लो, इस बोर्डिंग स्कूल में एक ही सिक्का चलता है, डिसिप्लिन। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर अवस्थी, यहां बड़े बड़े बिगड़े घोड़ों को नाल पहनाई है हमने। अरे चलो देर हो रही है। हो गया बेटा, आ जाओ। अब मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं। डॉर्मेटरी में जाकर कपड़े बदलो गाना गाने के लिए। Come on. तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं मां। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊं मां। क्या इतना बुरा हूं मैं मां, क्या इतना बुरा। अरे अभी तक कैसी बैठी हो, कपड़े नहीं बदले? चलो जाए कपड़े बदलो, कम ऑन।
जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर से मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूं मां, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूं मां, तुझे सब है पता है ना मां, तुझे सब है पता मेरी माँ, मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैंने कुछ नहीं सिखाया, बच्चों ये है ईशान नंदकिशोर अवस्थी, यहां आ गया, आओ अपना बस्ता उठा लो, आज से तुम्हारी जगह यहां मेरी आंखों के ठीक सामने राजन दामोदरन की बगल में। राजन दामोदरन कक्षा में प्रथम आता है, राजन दामोदरन की संगत का तुम पर अच्छा परिणाम हो ऐसी अपेक्षा करता हूं, समझ गए, बैठ जाओ। हाँ। कविता पठन और व्याख्यान, आज का विषय 28वां पन्ना दृष्टिकोण। राजन दामोदरन आप कविता पाठ करोगे और ईशान नंदकिशोर अवस्थी आप कविता का अर्थ समझाओगे, ठीक है, शुरू करो राजन। दृष्टिकोण, ऊपर से देखूं तू है खुला आसमान, बादलों से भरा भरा तेरा ये जहां, जब तक ना तरस जाए पीने को हाथी, या कूद के दिखाए ये मेरे साथी, साइकिल की घंटी या कंकड़ या माटी, या तुझ पे बरस जाए अंधे की लाठी, तब सबको तू दिखे है पानी से लदी, तू तो है तू अपनी प्यारी सी नदी। बहुत अच्छे, हाँ तो ईशान नंदकिशोर अवस्थी कविता का अर्थ समझाओ। जो दिखता है हमको लगता है, और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है, लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो होता है, मतलब। अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो, मीनू पटेल तुम समझाओ। कवि कहता है कि जब वो नदी को देखता है उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, इस प्रतिबिंब को वह अलग अलग वस्तुओं से भंग करता है और नदी का चित्र फिर से उभर आता है। उत्तम, अति उत्तम, पटेल बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों ऊपर से देखूं तू है खुला। एक्चुअली कविता का असली मतलब तो तुमने समझाया, बाकी सबने तो रटे हुए उत्तर दिए। तिवारी सर बहुत स्ट्रिक्ट है,
जैसा वो बताते हैं वैसे ही याद करके सुनाना पड़ता है। तुम साल के बीच में कैसे आ गए? वो मेरे पापा चलो चलो आठ क्लास है। तुम तो क्लास में फर्स्ट आते हो तो फिर तुम्हारे मम्मा पापा ने तुम्हें यहाँ क्यों भेज दिया? मतलब बोर्डिंग में पनिश करने को। मैं बोर्डिंग में नहीं रहता, मेरे अप्पा स्कूल के एस्टेट मैनेजर हैं। मैं स्टाफ क्वार्टर्स में रहता हूँ मेरे अम्मा अप्पा के साथ। और तुमने किसने कहा कि आके सब बच्चे पनिशमेंट में आते? Children, open your sketchbooks and take out your pencils. Good. बगैर फुटपट्टी इस्तेमाल किए कॉपी करो। लकीरें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जरा सी भी टेढ़ी हुई तो दाहिने हाथ पर पांच। न्यू बॉय, नजर इधर ब्लैक बोर्ड पे, देखा देखा कहां बनाया मैंने पॉइंट? देखा पॉइंट? ये मेंढक की तरह आगे फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? डोंट लाफ। पॉइंट दिखा कहां बनाया मैंने? दिखा? नहीं दिखता। नहीं दिखता? पॉइंट नहीं दिखता? सतीश भटकल, कम हियर and show him where I made the point on blackboard. Ab dikhai diya? Very good. Idhar aao. Jaldi. Band mutthi pe panch, taki blackboard par se dhyan na hate. Haath aage. Mutthi band. अब ये स्टिल लाइफ स्टडी कॉपी करो। शेप मुझे परफेक्ट चाहिए वरना दूसरी मुट्ठी पे पांच। जाओ। फॉरवर्ड मार्च, लेफ्ट राइट लेफ्ट ईशान, क्या कर रहे हो? मार्चिंग खराब, कलर में घूम रहा है, पूरे क्लास की मार्चिंग खराब करती। आउट, देख रहे हैं? फॉरवर्ड मार्च। A noun is a naming word. A pronoun is used instead of a noun. An adjective describes a noun. A verb describes the action of a noun. An adverb describes the action of a verb. A conjunction joins two sentences together. A preposition is used to describe the relationship between a noun and a pronoun. And an interjection is a word thrown in to express feeling. Have you got it, Mr. Ishaan Nandkishore Awasthi? Why can't you? Idiot! Why can't you? अक्षर जो नाचे क्या खाई है? क्यों भाषा खराब, क्यों ना देते जवाब? क्यों करती नहीं ट्राई? वाई वाई बट वाई वाई कांट यू?
रहते फिर सदी क्यों हैंड राइटिंग रद्दी क्यों होमवर्क अधूरा क्यों ध्यान नहीं पूरा This child can drive anybody mad. Someone please call up his dad. तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बेटा? मूर्ख शिरोमणि. क्यों ना बड़ा सीखा क्यों कहते नहीं सांप? क्यों ज्योग्राफी में बोल 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 बोल. क्या फर्क? दाहिने हाथ में पांच. Idiot! Ishaan, open the door. Inu, Jack, open the door. Ishaan! Ishaan, खोलो प्लीज दरवाजा खोलो इनू ईशान चैंप चलो लेट्स गो मैंने हाउस मास्टर से परमिशन ले ली इनू अब गुस्सा छोड़ो चलो चलो बेटा Yes, one extra mattress. One only. Champ, see what I got you. Watercolors. Ready for color pack. अब तो गुम सुन हुई खामोश हो गई है ये जुबान दर्द भी अब तो होता नहीं एहसास कोई बाकी है कहाँ तुझे सब है पता है ना माँ तुझे सब है पता
बंपर क्यों चढ़े थे? कम वाली क्या हुआ? अरे तुमको मालूम नहीं, वो गया होलकर सर गया, पूरा न्यूजीलैंड को ड्राइंग सिखाने गया। उसकी जगह एक नया टेम्पररी टीचर आया है। आई होप कि वो होलकर सर से डिफरेंट है। चल लेट हो रहा है, चल ना। ಚಾಚೋ ಚಕಲೋರಂ ಗಂಡೋ ವಂಡೋ ಲಕರಕಟಂ ಅಕ್ಕೋ ಟಕ್ಕೋ ಇಡಿಗಿಡಿ ಗಿಡಿಗೋ ಇಡಿಪಾಯ್ ವಿಡಿಪಾಯ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಕ ಚೋ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಮಲ್ ಸುಲು ಸುಲು ಮಲ್ ಮಕನಕ ಹುಕು ಬುಕುರಿ ಟುಕು ಬುಕುರಿ ಚಕಲಕ ಬಿಕ್ಕೋ ಚಿಕ್ಕೋ ಸಿರಿ ಸಿಲಿ ಸಿಲಿಗೋ ಬಗರದುಂ ಜಗರದುಂ ಚಿಕ್ಕ ಚಕ ಚೋ देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। आंखें बंद तो डब्बा गुल, बंद डब्बा।
दरवाजे खोल रे, खोल रे, खोल रे। ओ जा बिंदास बोल रे, मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुनके इन रंगों को किसी ने सजाया, ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है, खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले, ड्रॉ करो, पेंट करो, जो जी में आए करो, तब तक मैं जरा ये रख के आता हूँ। लेकिन क्या पेंट करे सर, टेबल पे तो कुछ नहीं है। ये टेबल ये टेबल बहुत छोटा है मेरी जान, इतना छोटा कि तुम्हारे खूबसूरत ख्यालों का वजन उठा नहीं पाएगा। अपने दिमाग में झांको और एक जबरदस्त टेक्निकलर फोटो खींच के बाहर निकालो और पटक दो पेपर पर। लूटो लूटो मजे, यहां तो मैं कोई रुकने टोकने वाला नहीं। कहाँ खो गए दोस्त, ख्यालों में कुछ ढूंढ रहे हो? कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। क्या हुआ बच्चे, पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगता? आपका नाम क्या है बेटा? सो, इसका नाम ईशान अवस्थी है। थैंक्स। Thank you.
कहाँ गए थे तुम? कहाँ गए थे? तुम्हारी माँ का फोन आया था, जाओ जाके फोन के पास खड़े रहो, वो फिर से फोन करने वाली है। गो। हेलो। हेलो, ईशान अवस्थी है? जी जी, एक मिनट। हाँ। बात कीजिए। हाँ। ये लो। हेलो इनू, हेलो इनू, हेलो, बोलो बेटा। देखो इनू, हम सैटरडे को नहीं आ सकते बेटा। संडे को दादा के इंटर स्कूल टेनिस फाइनल्स है ना बेटा? मैं जानती हूँ आप मामा से बहुत गुस्सा हो। मामा इज़ वेरी बैड, बहुत बुरी है मामा। आई एम वेरी सॉरी इनू, लेकिन मामा भी क्या कर सकती है ना बेटा। हाँ, दादा को भी फाइनल्स की टेंशन है ना। हाँ, दादा से बात करोगे? लो दादा से बात करो। एक एंड विश हिम ऑल द बेस्ट। हाँ, एक मिनट। हेलो इनू, हेलो इनू, आर यू देयर? इनू, मैं तुम्हें फाइनल्स में बहुत मिस करूंगा इनू। हेलो हेलो इनू, इनू बेटा मम्मा से बात करो। हेलो इनू, इनू, हेलो 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 मैडम, वो तो चला गया। चला गया? हाँ मैडम, सॉरी। क्या हुआ? बात भी नहीं की उसने। फिक्र मत करो, अगले संडे चले जाएंगे। अरे अरे, वहां कहाँ रख रहे हो? बच्चों का क्लास वर्क है। तो क्या हुआ, होल कर कभी नहीं रखता था, वो जगह किताबों के लिए है। तो इन्हें कहाँ रखूं? लौटा दो वापस बच्चों को, वैसे भी किस काम के ये। What a racket they're making in your class, Nikam. पक्का मच्छी मार्केट बन गया। बच्चे हैं सर, शोर तो करेंगे। और फिर आर्ट क्लास में बच्चे अपने जज्बात नहीं दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे? वो सब ठीक है, जस्ट गो ईजी। हेडमास्टर को स्कूल पे डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। सुना है कल क्लास में आप गा रहे थे और फ्लूट भी बजा रहे थे। हाँ, गा रहा था, फ्लूट भी बजा रहा था। बच्चे खुश, मैं खुश। लेकिन इस स्कूल के बच्चे उन बच्चों जैसे नहीं है। किन बच्चों जैसे? ट्यूलिप स्कूल में पढ़ाते हो ना, मेंटली रिटायर्डेड एम नॉर्मल बच्चों को, उस तरह के स्कूल में जैसा मन चाहे वैसा पढ़ा, क्या फर्क पड़ता है? कोई भविष्य तो बनना नहीं है उन बच्चों का। नो सीरियसली निकम, ये एक फॉर्मल स्कूल है, तुम्हारा ये सिंगिंग डांसिंग स्टाइल यहाँ नहीं चलेगा। इधर हम बच्चों को तैयार करते हैं लाइफ का रेस के लिए। किड्स हैव टू कंपीट, सक्सीड, मेक अ फ्यूचर। हमारे विद्यालय के तीन सिद्धांत, नियम, अनुशासन, परिश्रम, सफलता के तीन स्तंभ, संपूर्ण शिक्षा का आधार। आइए लिख लो। तिवारी जी, अब आप जर्मन सीख ही लीजिए। क्या हुआ ईशान? ओके, इट्स ओके। अरे सुनो, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? सर मालूम नहीं सर, अभी था इधर, सडनली भाग गया। अपने नए पकाओ आर्ट टीचर को आते हुए देख लिया होगा। नहीं नहीं सर,
डाइनिंग हॉल गया होगा लंच के लिए। यार तुम्हारा नाम क्या? राजन दामोदरन सर। राजन एक बात बताओ, ये ईशान का चक्कर क्या है? सर कोई तकलीफ है उसको? हमेशा डरा डरा रहता है। उसको घर जाना है। क्यों? न्यू बॉय है सर। साल के बीच में प्रॉब्लम है उसको, कितना भी ट्राई करे पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, हर वक्त पनिश्ड रहता है। पूरे बुक में रेड मार्क्स रेड मार्क्स। व्हाट टू डू? प्याज काट कर आ रहे हो कहीं से? इंसान भी ना जानवर से बदतर है, जानती हूँ। और अंधा, अंदरूनी खूबसूरती से बिल्कुल परे। किससे पाला पड़ा हुआ है? अपने आप से। सालों बाद अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ। जाते ही किसी ने शीशा दिखा दिया? मैं तो हमेशा कहती हूँ देखने को, कितनी अच्छी शक्ल है तुम्हारी। जबीन, तो खतरे में। कौन? कौन रहा? है एक स्कूल में 8-9 साल का बच्चा, ना बोलता है ना कुछ, डरा डरा सा रहता है। उसकी आंखें जैसे मदद मांग रही है। मुझे डर है वो डूब जाएगा। दादा दादा। हाँ प्रद्युम्न। दादा चल, रसल का टाइम हो गया, चल चल चल। ए साहिल चल, शो कब है मालूम है ना? 2 दिन बाद। शाबाश चल। Today, let's open the windows of our hearts.
and peep outside to see little raindrops meet the glorious sun, a rainbow forming, sheer joy and great fun. देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाए ये तारे जमीन पर ये तो है सर्दी में धूप की किरणें उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे खो न जाए ये तारे जमीन पर और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई जैसे रंगों भरी पिचकारी जैसे तितलियां फूलों की क्यारी जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई ये तो आशा की लहर है ये तो उम्मीद की सहर है खुशियों की नहर है खो न जाए ये तारे जमीन पर जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले ये तो झोंके हैं पवन के हैं ये घुंघरू जीवन के ये तो सुर है चमन के खो न जाए ये तारे जमीन पर मोहल्ले की रौनक
गलियां है जैसे खिलने की जिद पर कलियां है जैसे मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं खो न जाइए तारे जमीन पर नमस्ते मेरा नाम राम शंकर निकुम है मैं न्यू एरा स्कूल पंचगिरी में पढ़ाता हूँ आइए ये उसके थर्ड स्टैंडर्ड की बुक्स हैं जी ये किसने बनाया ईशान ने ईशान ने ईशान पेंटिंग करता है हाँ उसको पेंटिंग का बहुत शौक है कभी बातें जैसे दादी नानी कभी चलते जैसे मम्मम पानी कभी बन जाए बोले सवालों के जड़े सन्नाटे में हंसी के जैसे सुने होठों पे खुशी के जैसे ये तो नूर है बरसे कर तेरे किस्मत को बड़ी जैसे झील में लहराए चंदा जैसे भीड़ में अपने का कंधा जैसे मन मौज न किया जाग उड़ाए कुछ कहे जैसे बैठे बैठे मीठे से छपकी जैसे प्यार की धीमी से थमकी जैसे कानों में सरदम हरदम बजती रही रहे पानी मिलेगा प्लीज थैंक यू क्यों भेज दिया उसको क्यों कोई रास्ता नहीं था पिछले साल वो थर्ड स्टैंडर्ड में फेल हो गया यकीन करेंगे थर्ड स्टैंडर्ड और सुधरने के कोई आसार नहीं ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है और वो दूसरा आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम उसका रवैया और क्या पढ़ाई की तरफ हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी तेवर ही तेवर कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है वो मुझे मालूम है मैं पूछ रहा हूँ बच्चे को बुखार क्यों है वजह क्या है बुखार की हाँ तो फिर आप ही बताइए बताइए उसके पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा कोई गलती जो वो दोहराता हो पैटर्न काहे का पैटर्न सब गलतियां ही गलतियां फिर आप पैटर्न पहचान नहीं पाए ये देखिए ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन और ये एस और यार उल्टा लिखा है बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे हैं ये देखिए
छोटा एच छोटा टी देखा मिरर इमेज एनिमल 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 एक ही पेज पे तीन अलग अलग स्पेलिंग इसका मतलब कोई एक अलग स्पेलिंग उसे याद है ऐसा नहीं दूसरी बात एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है ये टीओपी टॉप बन गया पीओटी पॉट एसओएलआईडी सॉलिड बन गया एसओआईएलईडी सॉलिड क्यों करते हो ऐसा बेवकूफ है आलसी है ना मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है जब आप एपीपीएलई एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती ईशान वो एप्पल पढ़ ही नहीं पाता शायद इसलिए मतलब नहीं समझ पाता पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज उनकी बनावट शब्दों का मतलब समझना जरूरी है ये अहम जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा ऐसा कुछ नहीं है ये सब बहाने पढ़ाई टालने के तरह ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं ये तो चाइनीज में अरे कोशिश तो कीजिए चलिए ध्यान दीजिए क्या बेकार की बात कर रहे हैं मैं कैसे पढ़ सकता हूँ आप बदतमीजी कर रहे हैं आपका रवैया ठीक नहीं है ये आप शैतानी कर रहे हैं कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं कभी कभी बच्चे को डिसलेक्सिया के साथ साथ और भी तकलीफें हो सकती हैं जैसे कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत टर्न टू पेज 65 चैप्टर 9 पैरा 4 लाइन 2 कंफ्यूजन या फिर पुअर फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या ईशान को अपने शर्ट के बटन या जूते की लेस बांधने में तकलीफ होती है हाँ। योहान जब तुम उसकी तरफ बॉल फेंकते हो क्या वो पकड़ पाता है वो बॉल को कभी जज ही नहीं कर पाता क्योंकि वो साइज डिस्टेंस और स्पीड इन तीनों को एक साथ समझ ही नहीं पाता कितनी बड़ी बॉल कितनी दूर से कितनी तेज आ रही है जब तक वो जान ले गाड़ी छोड़ जाती है जरा सोचिए एक बच्चा महज 8 या 9 साल का पढ़ नहीं पाता लिख नहीं पाता रोजमर्रा के मामूली काम नहीं कर पाता वो सारी चीजें नहीं कर पाता जो उसकी उम्र के बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते हैं क्या बीतती होगी उस पर उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती होंगी अपनी खामियों को टेढ़ेपन के लिबास में लपेटकर दुनिया से लड़ता होगा हर रोज गदर मचाता होगा गदर यहां क्यों बताऊं दुनिया को कि नहीं आता नहीं करना कह के टाल नहीं दो बड़ों से तो सीखते हैं बच्चे अब तो ये गदर भी कुचल दिया गया वहां मुझे अफसोस है उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया बड़े दुख की बात है लेकिन ईशान ही क्यों इसका कोई जवाब नहीं है इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है कभी कभी जेनेटिक भी होता है आम आदमी की जबान में कहूं तो ब्रेन में जरा सी वायरिंग की प्रॉब्लम है बस तो आप ये कह रहे हैं मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है मेंटली रिटार्डेड अजीब आदमी है ये देखिए ये देखिए मिस्टर अवस्थी ये तेज दिमाग 1000 ख्याल बुन रहा है रंगों में आपके और मेरी काबिलियत से कहीं आगे लेकिन इसका फायदा क्या है इसमें फायदा क्यों ढूंढ रहे हैं तो और क्या ढूंढूं क्या बनेगा बड़ा होकर वो कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा जानता हूं बाहर एक बेरहम कंपेटिटिव दुनिया फंसी है और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं
हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं। 95.5%, 95.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर। क्यों? अरे जरा सोचो, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है। लेकिन नहीं, हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब। लगे रहो, चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए। नो ऑप्शंस कहता है, नो ऑप्शंस, कोई चारा नहीं। अरे घोड़े दौड़ाने का इतना ही शौक है तो ब्रीड रेस हॉर्सेस, डैम इट, बच्चे की पैदा करते हो। अपनी एम्बिशंस का वजन अपने बच्चों के नाजुक कंधों पर डालना, शे, इट्स वर्स देन चाइल्ड लेबर। और बच्चा वजन उठा नहीं पाया तो कब समझेंगे कि हर बच्चा अपने हिसाब से वजन उठाता है। आज नहीं तो कल सीख ही जाता है। अपनी अपनी रफ्तार होती है, पांचों उंगलियों का हाथ बनता है। पर कहां हमें नन्हे मुन्नों को मेनस्ट्रीम में सेटल करने के सपने देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। एक लड़के की कहानी। एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि वाई एक्स के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे, डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर गुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को। फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा, बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे उसने सोना उगला, थियरी जो सुनी जहां ने सारा जहां पिघला। बोलो बोलो कौन है वो। अल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट राजन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को अपनी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से हिला के रख दिया। द ब्राउनियन मोशन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर विच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921। अब बताओ कि ये क्या है।
हेलीकॉप्टर नहीं है ये, द ग्रेट आर्टिस्ट इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंची। कौन? हाँ, उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी, अ वर्किंग स्केच ऑफ अ हेलीकॉप्टर। लेकिन कब? 15वीं सदी में। पहला हवाई जहाज उड़ता उससे 400 साल पहले। जानते हो, लियोनार्डो डा विंची को पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ होती थी। कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब, कुछ समझ में आया? आप पढ़ो। ईशान, जरा लाइट ऑन करना प्लीज। किस महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया? एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। बिल्कुल सही ईशान, वेरी गुड। वो भी बेचारा था एबीसीडी का मारा। आओ बैठो ईशान। नहीं, लाइट रहने दो। एडिसन भाई की रोशनी हम पर पड़ती रहे। ओके, इसको तो सब जानते हैं। बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। और भी हैं असली नमूने, पाब्लो पिकासो, फेमस क्यूबिस्ट पेंटर। उसको 7 नंबर कभी समझ में नहीं आया, कहता था ये तो मेरे अंकल की उल्टी नाक है। मिकी माउस का बाप कौन? वॉल्ट डिज्नी। करेक्ट, वॉल्ट डिज्नी। अक्षरों से परेशान, डाल दी कार्टूनों में अपनी जान। नील डायमंड, पॉपुलर सिंगर, लाल लाल रिपोर्ट कार्ड के शर्म में डूबा, गाने लिखता। एगाथा क्रिस्टी, फेमस मिस्ट्री बुक राइटर। यकीन करोगे, एक लेखिका जो बचपन में पढ़ लिख नहीं पाती थी। लेकिन आज सडनली मैं तुम लोगों से यह सब क्यों बता रहा हूं? तुम्हें यह दिखाने कि दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि ये दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी। इसके बावजूद वो जीते, और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई। इन सिकंदरों, कलंदरों, बिलंदरों के नाम आज की आर्ट क्लास। इनको याद करते हुए इस चार दीवारी के बाहर कदम रखेंगे और कुछ अलग बनाएंगे, डिफरेंट, कुछ भी जी में आए वो उठाओ, पत्थर, लकड़ी, कचरा, कुछ भी। चलो छोटे तालाब की तरफ पढ़ना शुरू कर लो। ईशान, एक मिनट। राजन, तुम जाओ। जानते हो, उन सारे लोगों में एक और नाम था जो मैंने नहीं लिया, शायद इसलिए कि वो नाम इतना महान नहीं। लेकिन तकलीफ उसे भी वही है। वो नाम है राम शंकर निकुम। मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने की तकलीफ थी। मेरे पिताजी मुझे समझ नहीं पाए। उनको लगता था कि मैं शैतानी कर रहा हूं, जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूं। उनको लगा आगे चलकर मेरा कुछ नहीं होगा, ये टफर इडियट क्या कर पाएगा। आज जो हूं तुम्हारे सामने हूं ईशान,
क्या आप मेरे घर गए थे? प्रिंसिपल साहब हैं? हाँ सर। नहीं नहीं बैठो बैठो। मॉर्निंग सर। हाँ निकोम, कमिंग कमिंग। सर मुझे एक स्टूडेंट के बारे में बात करनी थी। ईशान अवस्थी थर्ड डी, नया स्टूडेंट है। हाँ आई नो दूसरी टीचर्स की भी कंप्लेंट आ गई है। बैठो। हमें नहीं लगता कि वो साल भर भी टिक पाएगा। नहीं सर, वो बड़ा अकलमंद बच्चा है, उसे बस रीडिंग राइटिंग की थोड़ी तकलीफ है। आप तो जानते होंगे डिसलेक्सिया के बारे में। आई सी सर, तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया। निकुम, सोच रहे थे कि उसके फादर से क्या कहेंगे, बच्चा ट्रस्टीज के थ्रू है यू सी। गुड गुड, तो फिर स्पेशल स्कूल ही सही जगह है उसके लिए। क्यों? नो सर, ही इज अ चाइल्ड विद अबव एवरेज इंटेलिजेंस। उसे पूरा हक है एक नॉर्मल स्कूल में रहने का, उसे बस जरा सी मदद चाहिए हमसे। और वैसे भी दुनिया भर में हर किस्म के बच्चे, चाहे जो भी उनका प्रॉब्लम हो, एक साथ नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं। बल्कि मेरे ट्यूलिप्स के बच्चों को पूरा अधिकार है किसी भी साधारण स्कूल में पढ़ने का। माफ कीजिएगा सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे भारत देश का कानून कहता है। सर्व शिक्षण अभियान के अंतर्गत हर बच्चे को यह अधिकार मिलता है। ये और बात है कि बहुत कम स्कूल हैं जो इस कानून को फॉलो कर रहे हैं। देखो, तुम मुझे एक बात बता, ये बच्चा यहां कैसे मैनेज कर पाएगा? मैथ्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, लैंग्वेज। सर कर लेगा सर, टीचर्स जरा सा हाथ पटा दे, हो सकता है। कहां है टाइम टीचर्स के पास?
40-40 बच्चों के बीच एक बच्चे पर ध्यान देना, come on, Nikum, it's impossible. सर, जितना आप सोच रहे हैं इतना टाइम नहीं लगेगा. हफ्ते में 2-3 घंटे बस. मैं करके दिखाता हूं. और वैसे भी इन सारे सब्जेक्ट्स में तो उसको सिर्फ पास होना है. उसकी असली मंजिल तो कहीं और है सर. अच्छा, तो आपका सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं बेतुके? नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर बच्चे का अपना हुनर होता है. And as Oscar Wilde says, who wants a cynic who knows the price of everything and the value of nothing? Sir, please, sir. Sir, जरा बच्चे की पेंटिंग देखिए. ये देखिए सर. ये देखिए सर. ये जंग का मैदान. सिपाही सुरंग खोदता है और खोदते खोदते पन्ना पलटकर सुरंग में से उड़न चू. क्या सोच है सर? ये कॉन्फिडेंट ब्रश स्ट्रोक्स, सच बोल्ड यूज ऑफ कलर, बेधड़क. और ये देखिए सर, अनु का फ्लिप बुक, घर से बिछड़ जाने की दास्तान. क्या सोच है सर? महज 8 साल के बच्चे की बनाई हुई. सर, पटरी से हटकर बहुत कम लोग सोच पाते हैं. सर प्लीज सर, एक चांस, उसे एक मौके की जरूरत है, वरना उसकी उम्मीद टूट जाएगी सर. तुम चाहते क्या हो उसे? सर, कुछ वक्त तक उसकी स्पेलिंग्स, उसकी लिखावट को नजरअंदाज किया जाए, उसके टेस्ट जबानी लिए जाए. ज्ञान तो ज्ञान होता है सर, चाहे वो जबानी हो या लिखित. उतने में मैं उसकी लिखाई पढ़ाई पे काम कर ही रहा हूं, धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगी. पता नहीं, टेम्पररी टीचर की बातों में आकर कहीं हम परमानेंट डैमेज ना कर बैठे. अब 3 जोड़ो. वेरी गुड. अभी इसमें 5 जोड़ो. कहां पहुंचे? +7. वेरी गुड. अभी 11 कम. सेट हेनी पेनी दे सेट ऑफ टू अ नोज बिटवीन ईच पेयर ऑफ आईज. नोज़ेस नोज़ेस एवरी साइज. कोयल है चिड़ियों की रानी, कभी सुनी है उसकी वाणी? Yes! Simbad was dazzled by multicolored lights.
were made of cake and chocolate. एक सवाल था, आपने स्कूल पास करने के बाद कभी पेंटिंग की है? What? क्या ये सर? What is this? पेंटिंग कंपटीशन, टीचर स्टूडेंट सब के लिए. Wow! I want all of you to come, okay? No, seriously. कला का मकसद क्या है? अपने अंदर छिपे जज्बातों को छूट देना. आज खुश हो, हाथ ऑटोमेटिकली ब्राइट प्लेस की तरह बढ़ते हैं. लंच बकवास था, सारे काले गर्दूले रंग पेपर पर निकलते हैं. एक्सक्यूज मी. हाँ मिस्टर अवस्थी, आइए आइए, प्लीज कम. दोस्तों मैं जरा दो मिनट आया. आइए बैठ. सॉरी जगह जरा कम है. यहां कैसे? फैक्ट्री के काम से आया था. ईशान से मिले? नहीं अभी नहीं, मिलूंगा. पहले आपसे कुछ बात करनी थी. कही? मेरी वाइफ काफी दिनों से इंटरनेट सर्फिंग कर रही है. डिसलेक्सिया पे छपी सारी जानकारी उसने पढ़ डाली है. आपको बताना था. क्यों, मुझे क्यों बताना था? नहीं कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते. ख्याल करना बहुत जरूरी है मिस्टर अवस्थी. इसमें इलाज की शक्ति है. एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है. बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है. एक आध छप्पी प्यार भरी पप्पी, ये दिखाने को कि मैं ख्याल करता हूं. बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूं. अगर कोई फिक्र हो तो मेरे पास आओ. क्या हुआ जो तुम फिसले? गलती हुई, मैं हूं ना ये दिलासा. ख्याल करना, ख्याल करना इसी को कहते हैं ना मिस्टर अवस्थी. मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि आपको लगता है कि आप ख्याल करते हैं. ठीक है फिर मैं चलता हूं. मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ ने सॉलोमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा इंटरनेट पर? पढ़ा नहीं, नहीं पता. सॉलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है. महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं. देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है. And free.
Amphitheatre. 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 दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि वो दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी, लेकिन इसके बावजूद वो जीते, और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई। वेलकम सर, वेलकम। देखो भाई हम आ गए। You have finally convinced me to become a Sunday painter. वेलकम मैम, वेलकम। आइए, आइए। चलिए, चलो। You okay? कहाँ है तुम्हारा ईशान? I've been dying to meet him. पता नहीं, नजर नहीं आ रहा है। राजन, ईशान कहाँ? पता नहीं सर, वो तो सबके उठने से पहले ही हॉस्टल से निकल गया। अच्छा, क्या निकुम, फंसा दिया ना अपना को भी। अरे जॉर्ज सर, करके तो देखिए मजा आएगा। अरे नहीं भाई नहीं, अपने से ये पेंटिंग वेंटिंग नहीं होती। निकुम, I have decided I'm going to make a wordy painting, Nikum. Itna alphabet dalunga, alphabet se bhar dunga. You seem to be limited by your language sense, sir. Bhai Nikum, main to headmaster ko apna muh dikha aaya hu. Sirf 5-10 minute. Main apna ravivar kharab nahi karunga bhai yahan. Are aap aaye yahi khushi ki baat. Acha kahan baithna hai? Aapko to aapki jagah bacche dikhayenge. Hain? Bachcho? Ab bachcho idhar aao. Zara sir ko apni jagah dikhao. Jao. Jolly good, I'd say. Thank you.
करते रहूंगा। अरे भाई निकुम। सर, सर हमारी आज की खास मेहमान श्रीमती ललिता लाजमी, टीचर, पेंटर, माय गुरु। नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू फॉर कमिंग। हे गाइस, ईशान को देखा? नहीं सर। सर राजन के साथ आएगा। राजन कहाँ है वो? पता नहीं सर, मैंने बताया ना, सबके उठने से पहले ही हॉस्टल से निकल गए। खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे सारे आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना सजाना क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू ओ दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तू हैरान तू मौसम का है मेहमान तू तिवारी सर आप गए नहीं आप तो 5 मिनट में जाने वाले थे ये क्या बना रहे हैं आप ये मेढक ये बतख और ये केला मेढक
पासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा चकले रख ले हथेली से ढक ले से तुझ में अगर प्यास है बारिश का घर भी पास है रोके तुझे कोई क्यों भला संग संग तेरे आकाश है तू धूप है छम से बिखर तू है नदियों बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू बच्चों 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 कैसी है पेंटिंग देखिए देखो अति सुंदर सर फर्स्ट प्राइज खोलो खोलो दरवाजे पर दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना खुल गया आसमां का रास्ता देखो खुल गया मिल गया खो गया था जो सितारा मिल गया रोशन हुई सारी जमीन जगमग हुआ सारा जहां ओ उड़ने को तू आजाद है बंधन कोई अब है कहां गुजरी है सुबह
रंगीन खिड़कियों के शीशे पार करके गुजरते गुजरते पहुंचे अपने बचपन में। सुभान अल्लाह, दूसरों का बचपन भी खूब देखा। जॉय सर से तो हमने वादा लिया है कंपल्सरी लेसन लेंगे निकुम सर से, क्यों जॉय सर? लेकिन सर मैं अकेला नहीं, सेन और तिवारी सर भी। इन दोनों की पेंटिंग भी सबसे ज्यादा खराब थी। ठीक है ठीक है। निकुम से याद आया, एक खुशखबरी है, अब हमें नया आर्ट टीचर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निकुम सर आप ट्यूलिप स्कूल के साथ साथ हमारे स्कूल में भी पढ़ाएंगे। अब जिसका आप सबको इंतजार है वो अनाउंस करने जा रहे हैं हम। लेट मी कम टू द रिजल्ट्स ऑफ आर्ट मेला। हमारी खास मेहमान ललिता लाजमी जी वॉज इन अ रियल फिक्स, बड़ी उलझन में थी, दो पेंटिंग्स के बीच में फंस गई थी। इट वॉज अ टाई। वो तो कह रही थी कि दोनों को बेस्ट पेंटिंग ऑफ द आर्ट मेला का खिताब दिया जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि जो पेंटिंग चुनी जाएगी, हमने सोचा कि वो स्कूल की एयर बुक का फ्रंट कवर बन जाएगी। अब दो फ्रंट कवर तो नहीं हो सकते, क्या करें क्या करें क्या करें? लाजमी जी धर्म संकट में खूब सोच विचार करके वो नतीजे पर पहुंच गई। उन्होंने गुरु को ना चुनकर शिष्य को चुना है। जी हां बच्चों, ये जो आपके निकुम सर है ना, हार गए हैं और इनको चित करने वाला शिष्य है नन्हा मुन्ना 9 साल का ईशान नंदकिशोर अवस्थी आपका।
फोन राजन से बाय टू योर फ्रेंड्स टाइम टू गो बाय बाय राजन आई विल मिस यू ये आपका ईशान और ये उसकी पेंटिंग जस्ट लुक एट इट व्हाट अ मास्टरपीस He's a very talented boy, and I'm really happy to have him in my school. Teacher se mile? No, no, sir. Please go ahead and meet them. They will give you the progress report. Thank you so much, and Mr. and Mrs. Dave, enjoy your summer holidays. Hello, hello, come in. Mr. and Mrs. Awasthi? Ishaan's parents? Oh, Ishaan! Your lad, eh? Mighty spirited boy, I must say. क्यों तिवारी साहब? भाई पहले तो लगा था बड़ी गड़बड़ है, टिक नहीं पाएगा यहाँ। लेकिन फिर क्या इम्प्रूवमेंट दिखा अब? भाई वाह, बहुत खूब। क्या दृष्टिकोण है बच्चे का? बहुत खूब। ये लीजिए बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये लीजिए। Now that's progress. Math, grammar, and what a painter! A real discovery. बहुत खूब। बड़ा काबिल बच्चा है आपका मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा थैंक यू सो मच थैंक यू नो नो डोंट थैंक अस थैंक निकम दैट पाइप पाइपर ही रियली टर्न द बॉय अराउंड Lovely boy. अरे क्या हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको थैंक यू कैसे कहूं आह कम ऑन He's a lovely boy. Just look after him. Ishaan, Yohaan, come on. Mama, Papa are waiting. Hey, champ. I'm gonna miss you. Ah. जल्दी आने का हॉलीडेज के बाद अरे ऑफ यू गो बाय योहान बाय सर देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती
हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे जमीन पर। और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाए ये तारे जमीन पर। किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है, बागों से बह चले, जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके है पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए ये तारे जमीन पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये तारे जमीन पर। तारे जमीन पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी छिलके जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की जड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सुने होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है पर से करते किस्मत को बड़ी।
जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने को कंधा, जैसे मन मौज नदी